हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास रेडमी, पोको, शाओमी का कोई सा भी डिवाइस हो, उसके अंदर आप दूसरी रोम कैसे फ्लैश कर सकते हो। जैसे कि MIUI 13 की हो गई, MIUI 12 की हो गई, MIUI 12.5 की होगी, कोई सी भी रोम है जो आपके डिवाइस को सपोर्ट करती है, कस्टम रोम, तो आप वो कैसे फ्लैश कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारा लोगों का कमेंट आता है कि भाई मैं MIUI 11 पे हूँ, 12 पे कैसे जाऊँ, मैं 12 पर हूँ, 13 पर कैसे जाऊँ या 12.5 पर कैसे जाऊँ। तो गाइज, दूसरी रोम पर जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने डिवाइस का, जो भी रेडमी का आपके पास जो भी डिवाइस है, उसका एक तो बूट लोडर अनलॉक आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में ऑरेंज फॉक्स रिकवरी या TWRP आपको फ्लैश करनी पड़ेगी। इसके लिए आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हो तो चलेगा, उससे हो जाएगा। कैसे क्या करना है, बूट लोडर अनलॉक कैसे करते हैं, सारे वीडियो मेरे चैनल पर है। ऑरेंज फॉक्स रिकवरी कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी वीडियो मेरे चैनल पर है। उसके बाद में रोम कैसे फ्लैश करते हैं वो भी मेरे वीडियो मेरे चैनल पे है, वो रोम कैसे फ्लैश करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मेरे पास रेडमी नोट 5 प्रो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि रेडमी नोट 5 प्रो है तो आप इसमें रोम कैसे फ्लैश करनी है आपको। ठीक है, जैसे कि आपने बूट लोडर अनलॉक कर लिया, ऑरेंज बॉक्स रिकवरी भी फ्लैश कर दी, तो इसके बाद में आपको सिंपल सी क्या करना है, डिवाइस को क्या करना है, आपको रिकवरी मोड में लेके जाना है। ठीक है, अब ये मैंने क्या कस्टम रोम फ्लैश कर रखी है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपको रिकवरी का डायरेक्ट ऑप्शन दिख मिल जाता है इस रोम में, तो इसको मैं स्विच अप करूंगा, रिकवरी में हो जाएगा। अगर आपके डिवाइस में फर्स्ट बार आप जैसे कर रहे हो तो रिकवरी में कैसे जाना है, आपको पावर बटन, ठीक है, दबाना है और इसको मतलब डिवाइस को रिबूट कर देना। रिबूट करते ही आपको वॉल्यूम अप बटन दबा के ही रखना है, ऑटोमेटिक डिवाइस रिकवरी मोड में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी इस ऑप्शन से इसको रिकवरी मोड में लेके जाता हूँ, रेडमी नोट 5 प्रो को। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, अब ये कुछ ही सेकंड में रिकवरी मोड में आ जाएगा। रेडमी नोट 5 प्रो का लोगो आ चुका है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। वीडियो अच्छा लगे गाइज तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस तरह से वीडियो कस्टम रोम के बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो ये लोगो आ चुका है ऑरेंज बॉक्स रिकवरी का। ठीक है, अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि डिलीट का ऑप्शन है यहाँ पे आपको जाना है। सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, डेलवी, कैच, सिस्टम, वेंडर और डाटा। इंटरनल स्टोरेज को आपको नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो आप रोम फ्लैश कर रखे करने के लिए आपने डिवाइस में रखी हुई है, नहीं तो वो भी डिलीट हो जाएगी, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो आपको ये 5 ऑप्शन देख रहे हो ऊपर वाले, आपको इनको सिलेक्ट कर लेना है और सिंपल सी आपको क्या करना है, स्वाइप टू वाइप के ऊपर इस तरह से आपको क्लिक कर देना। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, बैक जाना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है गैलरी की, जो ये फाइल है गैलरी वाला, आपकी रोम जो आपने डाउनलोड कर रखी है वो कौन से फोल्डर में है, मेरे एक्सेंडर के अंदर पड़ी है, यहाँ पे आपको दिखा लेता हूँ, बहुत सारी है फाइल्स जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको ये जो MIUI 13 की जो स्टेबल रोम है एंड्रॉइड 11 की, ये आपको मैं इसमें फ्लैश करके दिखाऊंगा, जैसे कि आपको सिंपल से आपको जो भी रोम फ्लैश करनी उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, इस तरह से सिलेक्ट करके आपको सिंपल सी स्वाइप टू इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देख सकते हो आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे इंस्टॉलेशन 5 फाइल 1 of 1। ठीक है, तो इस तरह से कम 5-6 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस को होने में, उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है आगे। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, रोम इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने को है। ठीक है, एक बार हो चुका है, दूसरी बार इसमें वापस प्रोसेस होता है, वो जल्दी हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। एक बार ये चेकिंग करता है जिप को, तो आप देख पा रहे हो। ठीक, तो यार गाइज, आपकी डिवाइस की बैटरी के आपको 100% मतलब बोले तो आपको 50% से ऊपर ही रखनी है जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो दूसरी रोम इंस्टॉल करने का। ठीक है गाइज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्लैश होने वाली है रोम, कुछ टाइम लेगा, जस्ट 10-15 सेकंड लेगा। वीडियो अच्छा लगा गाइज तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई वीडियो गाइज किसी को पसंद आया, उसको हेल्प मिली, और नहीं मिले तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं गाइज। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट होने को है, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सक्सेसफुल आ चुका है यहाँ पे। अब आपको सिंपल से क्या करना है, ये जो वाइप कैच दिख रहा है, एक बार आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस, सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रिबूट सिस्टम है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने रिबूट सिस्टम कर लिया यहाँ पे। तो गाइस, देख सकते हो रेडमी नोट 5 प्रो का यहाँ पे लोगो आ जाएगा बाय Xiaomi। इस तरह से अभी वो जो रोम आपने इंस्टॉल किए वो बूट होने में कम 7-8 मिनट लगेंगे,
ये आप देख सकते हो MIUI का लोगो आ चुका है। ठीक है गाइस, जब फर्स्ट बूट मेन्यू आएगा, जब मैं वापस वीडियो कंटिन्यू करूंगा, सेटअप करके आपको पूरा दिखाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज गाइस लाइक से सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो MIUI 13 का यहाँ पे आपको इस तरह का लोगो देखने को मिल जाएगा आप रोम फ्लैश करोगे तो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह आप सिलेक्ट कर देनी है। आप बहुत सारी इसमें आपको नेपाली वगैरह बहुत सारी मिल जाएगी लैंग्वेज, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो आपको सिंपल सी इसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी देखने को मिल जाती है। अगर नहीं मिलती है तो आपको सिंपल सी इसमें क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप इंडिया भी कर सकते हो, रूसिया भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें से। और यहाँ पे जैसे कि मैं आपको ये कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे चेकिंग करेगा और सेटअप दिस इज इस तरह से आपको करना है। और स्किप के ऊपर क्लिक करना है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आपको इस पर करना है। और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एब्सेक्ट का, तो आपको ये कर देना, उसके बाद में स्पीक। और यहाँ पे आपको कर लेना है, सेटअप भी कंप्लीट होने को आ चुका है। ऐप ड्रॉअर वगैरह जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो यहाँ से आप सिंपल सी कर सकते हो। तो सेटअप गाइज कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप ये लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है गाइज, जैसे कि भी एप्स लोडिंग वगैरह होगा। तो गाइज ये देख सकते हो यहाँ पे आपको सेटअप कंप्लीट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लॉन्चर वगैरह सेटिंग वगैरह कुछ भी आपको कर देना है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये रोम इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पे एकदम अच्छे से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ही टाइम में आपने इसमें MIUI 13 का अपडेट इंस्टॉल कर दिया है। इस तरह से आप कोई सा भी डिवाइस हो उसमें आप रोम प्लेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वर्जन, तो आप यहाँ पे देख पाओगे 13.0. स्टेबल जो भी मैंने आपको तो दिखाया था वीडियो से पहले, यही रोम मैंने फ्लैश की है और आप देख सकते हो बहुत जल्दी हो गया। तो इस तरह से आप अपग्रेड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो गाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी कमेंट में आपको पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।